शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए, ये मैंने आर्टवर्क बना लिया है। जैसा हमने पोशाक में बनाया था सेम उसी तरह का पैटर्न ये स्मॉल साइज के अंदर बनाया है। ठीक है, ये जस्ट मैचिंग देने के लिए है कि वो ताकि मेरा बिल्कुल मैचिंग लगे। बाकी आप अगर किसी और डिज़ाइन के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम उसी तरह से थोड़ा सा स्पेस रखेंगे ताकि मेरा फ्रेम इजीली लग जाए और इसको यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने का तरीका मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सेम तरीके से हम इसे ट्रेस करेंगे। ये मेरा टेसिंग पेपर है, एग्जैक्टली सेम जगह पे मैं हटाऊंगी और सेम जगह पर इसको रखूंगी इस तरह से। छोटा पैटर्न है इसलिए ऑल पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेस कर लूँगी। ये पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिया है, मैं इसको हटाऊँगी। ये देखिए, ये पैटर्न मेरा इस तरह से आ गया। ये स्मॉल साइज़ में आएगा क्योंकि हम इसमें मुकुट बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हम नहीं लेंगे। अब मैं इसमें फ्रेम फिक्स कर लूँगी। अब जैसे हमने पोशाक में इसे डेकोरेट किया था सेम वे में हम इसको कर लेंगे। देखिए, ये मैंने कर लिया है। जिस तरह का हमने अपनी ड्रेस के ऊपर किया था उसी तरह का पैटर्न सेम हमने रखा है। अब हम इसको खोल लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जैसे पहले आपको बताइए, बिल्कुल हल्के हाथ से छोटे छोटे उसके साथ ही करेंगे। इस तरह से आ गया ये। अब इसको मैं एक बुकरम के ऊपर पेस्ट करूंगी थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए। इस तरह से, और इसके पीछे एक हम सेम कपड़े का एक कपड़ा और लगा देंगे। अब हम इसको बुकरम के ऊपर लगाएंगे। देखिए, मैंने पीस काट लिया है, एग्जैक्ट पीस नहीं काटेंगे, वो पेस्टिंग के बाद काटेंगे। अच्छे से गम लगा लेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। 2 मिनट के लिए सूखने देंगे, उसके बाद सेम कलर के कपड़े के साथ हम इसको एक इसके बैक में और लगा देंगे। अब देखिए, दोनों पीस तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब इन दोनों पीस को एक के ऊपर एक रखेंगे, एक के ऊपर एक रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। एक के ऊपर एक रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी बिल्कुल फाइनल कटिंग नहीं करेंगे, अभी थोड़ी फेयर कटिंग करेंगे क्योंकि अभी इन्हें आपस में पेस्ट भी करना है। अब इनको आपस में पेस्ट कर लेंगे, बीच में से बहुत अच्छे से करेंगे, साइड से थोड़ा सा हल्का ग्लू लगाएंगे क्योंकि अभी इसमें वेलक्रो लगानी है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, गम लगा के हमने पेस्ट कर लिया है अच्छे से। अब इसकी बिल्कुल पास पास बगल से हम कटिंग करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे हमने पहले की थी उसी तरह से बिल्कुल धीरे धीरे इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। जब पूरी कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इधर वेलक्रो लगा देंगे। ये देखिए, कटिंग कर लिया, कटिंग करके इस तरह से आ गया है। अब इसके पीछे हम वेलक्रो लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से सिलाई करेंगे।
एक टांका हम अंदर से भी ले लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। देखिए ये दोनों तरफ से मैंने सिल लिया है, इस तरह से आ गया। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कटिंग भी कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर दी है ना। इसी तरह यहाँ से जितना एक्स्ट्रा दिखेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से आ गया। बहुत से लोगों को मुकुट नहीं पसंद है, क्योंकि जो ये वेलक्रो होती है हमारे कान्हा जी के बालों में अटकती है, तो उसके लिए आप पग बना सकते हैं। पग का बेस वही रहेगा जैसे हमने पहले बता रखा है। जो हमने ये बनाया है पैच की तरह, इसको हम पग के ऊपर लगा देंगे फ्रंट में, और ऊपर जैसे जो ग्रीन कलर की हमने फ्रिल दी थी उस कलर की नेट के कपड़े की हम कलगी बना देंगे। तो इस तरह करके पग तैयार करी जा सकती है। क्रिएटिविटी टोटल आपकी है, ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है। अब जब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने में सुंदर, बनाने में आसान, बिल्कुल ड्रेस के मैचिंग का भी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।